धर्मनगरी वृंदावन मंदिरों की भूमि है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से वृंदावन आते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मंदिर है वृंदावन का अष्ट सखी मंदिर, जहाँ सिर्फ कृष्ण और राधा के नहीं बल्कि उनकी 8 मुख्य सखियों के भी दर्शन हो जाते हैं। अष्ट सखी मंदिर वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के पास VIP रोड पर स्थित है। मंदिर सेवायत सुभाष ने बताया कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और पूरे ब्रज में ये इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान राधा कृष्ण के साथ उनकी 8 सखियाँ विराजमान हैं। इन 8 सखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, तंगुविद्या और चंपकलता। सुभाष ने आगे बताया कि इस मंदिर की स्थापना पश्चिम बंगाल के वीरभूम के राजा रामरंजन चक्रवर्ती की पत्नी पद्मावती की कृष्ण भक्ति की वजह से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर स्थापित लड्डू गोपाल स्वयं प्रकट लड्डू गोपाल हैं। रानी पद्मावती उनकी सेवा करती थी और उनकी भक्ति में इतनी मग्न थी कि वो कृष्ण से बातें करने लगती थी। उसी समय भगवान कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि वृंदावन में कोई अष्ट सखी मंदिर नहीं है, वहाँ जाकर अष्ट सखी मंदिर का निर्माण करवाया जाए, जिसके बाद उन्होंने वृंदावन आकर इस मंदिर का निर्माण कराया और यहाँ पर अष्ट सखियों की स्थापना की। मंदिर है अष्ट सखी का, जो मंदिर है ये लगभग 400 साल पुराना है। बंगाल में वीरभूमि जगह है, वहाँ के राजा रामरंजन चक्रवर्ती, उनकी रानी का नाम था पद्मावती। यहाँ पर गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी, और गोपाल जी स्वयं प्रगट गोपाल जी हैं जो बंगाल में प्रकट हुए थे। तो उस टाइम वहाँ के तत्काल दो राजा थे, राजा रामरंजन चक्रवर्ती, उनकी रानी उन गोपाल जी की सेवा करने लग गई, और सेवा करते करते वो रानी इतनी सेवा में खो जाती भाव में, गोपाल जी उनसे बातें करते थे। तभी गोपाल जी रानी को बोले थे कि वृंदावन में कोई अष्ट सखी मंदिर नहीं है। तो वीरभूमि से राजा और रानी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अष्ट सखी मंदिर का निर्माण कराया था। तब से भगवान यहाँ अष्ट सखी के साथ में रास करते हैं। ये राधा रानी की सबसे प्रिय सखी है, ललिता जी, विशाखा जी, रंगदेवी जी, सुदेवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, चित्रलेखा जी, 8 सखियाँ अपनी अलग सेवाएं करती हैं। सबकी सेवा ठाकुर जी और राधा रानी की, जो मिलन की प्रक्रिया होती है, जो भगवान के जो वो रास करते हैं, रास में सखियाँ अपनी अपनी सेवाएं देती हैं। जैसे ललिता सखी भगवान के लिए पान बीड़े की सेवा करती है, विशाखा सखी भगवान के लिए वस्त्रों के आभूषण की सेवा करती है, चंपकलता जी चरो डुलाने की सेवा करती है, चित्रलेखा जी भगवान के लिए चित्र आभूषण करती है तैयार। ऐसे 8 सखी अलग सेवाएँ हैं सभी। सबका भाव ये रहता है कि हमारे प्रिया प्रियतम का मिलन हो। इनका जहाँ पर भी राधा रानी ठाकुर जी जब मिलने जाती है तो सखियाँ बुलाती हैं ठाकुर जी को कि राधा रानी से इनका मिलन हो। तो ये इसी भाव से सेवा करती हैं, उसी भाव से यहाँ पर इन सखियों की सेवा होती है और सब सखियाँ ठाकुर जी की सेवा में लगी हुई हैं। और ये सखियाँ जो सेवा करती हैं वो सेवा मंदिर में यही मान कर गए कि सखियाँ आज भी भगवान की सेवा करती हैं, तो वो सेवा की जाती है। और उसी सेवा के हिसाब से भगवान की जो सारी दिनचर्या होती है वह सारी उसी सेवा से होती है। बड़े 84 कोस में वृंदावन में जो अष्टकी का सबसे प्राचीनतम मंदिर है ये यही मंदिर है, जहाँ भगवान रास करते हैं। रोज़ रात में भगवान जिस निधिवन में सब गोपियों के साथ में होता है, ऐसे यहाँ प्रष्ट सखी के साथ में रास होता है। सौरभ पाल, न्यूज़ 18, मथुरा।